साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमले कराने में शामिल तहव्वुर राना को जल्द अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश के मामले में अमेरिका में 14 साल की सजा काट रहे तहव्वुर राना को भारत भेजे जाने की संभावनाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। भारतीय सरकार ट्रंप प्रशासन के सहयोग से पाकिस्तानी कनेडियाई नागरिक तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है। राणा की जेल की सजा दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली है। मुंबई 26/11 हमले की साजिश रचने के मामले में राणा को 2009 में गिरफ्तार किया गया था। बता दें 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में अमेरिकी नागरिकों सहित करीब 166 लोगों की जान गई थी। पुलिस ने 9 आतंकवादियों को मौके पर मार गिराया था और जिंदा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अजमल कसाब को बाद में फांसी दे दी गई थी। राणा को 2013 में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उसे दिसंबर 2021 में रिहा किया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, यहां सजा पूरी होने पर राणा को भारत भेजे जाने की प्रबल संभावना है। सूत्र ने कहा कि इस दौरान जरूरी कागजी कार्रवाई और जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करना एक चुनौती है। भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा कानून एवं विधि मंत्रालय और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय सभी की अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया है। उसने कहा कि जब प्रत्यर्पण की बात आती है तो वो अपनी प्रक्रिया को ना धीमा करना चाहते हैं और ना ही तेज करना चाहते हैं। भारतीय दूतावास और तहव्वुर राना के वकील ने हालांकि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें भारत सहित अमेरिका ने भी कई बार पाकिस्तान को इस हमले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर फटकार लगाई है। अमेरिका ने मुंबई हमले की 10वीं बरसी पर पिछले साल इस हमले में शामिल किसी भी आरोपी या दोषी की सूचना देने वाले को $50,00,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। हमले में लश्कर ए तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की वित्तीय राजधानी पर हमला किया था, जिसमें 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।